हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और एचडीएफसी लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये दिग्गज स्टॉक गिर रहा है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में ये कंपनी के लिए फ्रेंड्स। और जब आप देख रहे हैं कि लगभग 11% की आज गिरावट है, इसको टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और काफ़ी अच्छे ग्रुप का ये शेयर है, बट 1-1.5 महीने अगर आप देखते हैं लगभग 1900 मिल जाता है या 1800 मिल जाता है, इस तरह का चल रहा था, बट आज ये 1564 में आ गया है। और उसका कारण आप जान रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स जो गिर रहे हैं, और जैसे कि ये इनका अभी कामकाज क्या है कि लोन देना, अभी लगभग 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर तक, लगभग 1 से 2 क्वार्टर लगेगा फ्रेंड्स जो इनकी डिमांड होगी, क्योंकि अभी इस वक्त हेल्थ का इश्यू चल रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि जैसे कि अभी देखिए सारे शेयर्स लगभग 2017, 2016, 2008 से नीचे की तरफ हैं। फिलहाल ये HDFC ग्रुप का एक अच्छा शेयर है, बट इस महीने जो लगभग देखिए ये गिरना स्टार्ट हुआ, 2200 से ये गिरना स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, और अब जाके जो है लगभग देखिए 1564 में आ गया है। तो जैसे कि EMI के लिए भी कहा गया है कि RBI के द्वारा कि 3 महीने की छूट दी जाए, वो एक दिक्कत है। डिमांड कितना होता है वो एक दिक्कत है कि कितना लोन बांट सकते हैं आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले समय के लिए रह सकती हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। और अब जो है बड़े शेयर गिर रहे हैं फ्रेंड्स, और 10-10, 12-12% अगर दिग्गज स्टॉक गिरना स्टार्ट हो तो थोड़ा सा अभी जो लेना चाहते हैं तो उनको रुकने की कोशिश करनी चाहिए। प्लस जो ऊपर के लेवल में फंस गए हैं तो उसको भी टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे कहाँ तक कि अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है तो जाहिर सी बात है ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा फ्रेंड। और अगर निफ्टी जो है अपना लो तोड़ता है, 7600 अगर लो तोड़ता है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा और आपको लगभग 1500 ब्रेक करके और भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं, और जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए वो भी समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के द्वारा, और जिन जो ऊपर के लेवल पर फंस गए हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी ख़रीदारी कहाँ पे बनती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या धीरे धीरे इसको खरीदते हैं रहना चाहिए, और क्या ये लमसम 1 या 2 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और अभी जिस तरह से चाइना का इम्पैक्ट रहा है, जो ग्लोबली प्रॉब्लम्स हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें अभी प्रेशर रहेगा फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है अब क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बहुत दिक्कतें रहेंगी, और लॉकडाउन खुल जाएगा तो हो सकता है कि फाइनेंशियल के जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ऊपर की तरफ जाएँ, क्योंकि एक उम्मीद के कारण ऊपर की तरफ जाता है। फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसमें लगभग 30 से 40% इनमें गिरावट हो सकती है फ्रेंड्स। अब देखने वाली बात है कि हाउसिंग लिमिटेड अब देखने वाली बात है कि HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में कितना फ़र्क पड़ता है, उसके हिसाब से ये कारोबार कर सकता है। तो सबसे पहले इसका चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC लिमिटेड का चार्ट है फ्रेंड्स, और लगातार ये ऊपर के लेवल लगभग 2200-2300 से गिर कर नीचे की तरफ आया है। और 1 महीने पहले जो फरवरी के आसपास या जनवरी के आसपास आप देख रहे होंगे कि सारे रिकमेंडेशन चल रही थी ऊपर की तरफ का, क्योंकि उस वक्त ये जो चाइना का इम्पैक्ट है फ्रेंड्स वो नहीं हो रहा था यहाँ पे इंडिया में, और मार्केट ऊपर के लेवल पे ही कारोबार कर रहे थे। तो ये दिग्गज स्टॉक भी ऊपर की तरफ था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्च में ही ऊपर की तरफ था, तो वहाँ से काफ़ी लगभग 1564 पे कारोबार कर रहा है ये। और इसमें आप ड्रॉप एक आया है लगभग 1450 के आसपास, अगर उसको ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स ये फिर लगभग काफ़ी नीचे का लेवल दिख रहा है। ये फिलहाल टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं कि इतना बड़ा स्टॉक है नीचे की तरफ नहीं आ सकता। आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये फाइनेंशियल स्टॉक में पिटाई हो रही है, स्पेशली बड़े शेयर्स में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो पहले से गिरे हुए हैं, वो 11,000 में पहुंच गया था निफ्टी, तब से वो उनमें पिटाई चल रही है। बट अभी जो रिसेंटली जो जैसे कि ये लॉकडाउन हुआ है तो बड़े शेयरों में भी अब उसमें बिकवाली हो रही है फ्रेंड्स। अगर दिखे ये नीचे के लेवल पर अगर अपना ये लो ब्रेक करता है तो
तो आपको डेफिनेटली ये लगभग 1300 से 1244 तक दिख सकता है आने वाले समय में। अब रही बात जिन्होंने इस वक्त लगभग देखिए 1900 से खरीदते नीचे की तरफ 1564 तक फंस चुके हैं, तो ये ऊपर का जैसे अगर निफ्टी देखिए 8300 के आसपास है, ऊपर का इसका टारगेट होगा लगभग 1900 के आसपास तक होगा। देखिए इस मार्केट में बॉटम कोई पकड़ भी नहीं पाता, और जो हाई कल जैसे बुल और मार्केट होती है उस वक्त भी आप देखते होंगे कि और ऊपर करके जाते जाते और ऊपर जाता है मार्केट। बट अभी जो सिचुएशन है जैसे 21 डे लॉकडाउन हो गया इंडिया, तो उसमें से जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स इनका, जैसे कि बिजनेस आप जानते हो कि होम लोन का है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था इसका, HDFC ग्रुप का ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अभी देखिए इस जैसे कि मार्केट अगर 7600 को ब्रेक नहीं करता है तो आप मान के चलिए कि ये 1937 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, उस समय आप अपना डिसाइड करने की कोशिश करिए। अब रही बात अगर ये 1400 को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ, या निफ्टी जो है 7600 को ब्रेक करके आता है, तो यहाँ पे कुछ जो लंबे समय के लिए लमसम 1 या 2 साल या 3 साल के लिए रखना चाहते हैं तो तब बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि अभी आपने जैसे 1564 के आसपास या 1500 के आसपास लेने की या 1600 में ले लिया, तो उसमें क्या करिए कि जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहे हैं तो कुछ परसेंट जैसे 2-3% का आपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, और वही चीज़ ऊपर की तरफ जैसे कि 3% या 4% भी 5% भी मिलता है तो निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल ये अभी जिस तरह से गिरावट है 10% अब नीचे की तरफ है, 200 पॉइंट अब आज के दिन ये 30/3/2020 को 200 रुपये नीचे की तरफ है। अब सोचिए अब किसी ने ले लिया होगा इंट्राडे में या फिर फंस गए हैं, तो कोशिश करिए कि ये ऊपर की तरफ भी जाता है तो निकलने की भी कोशिश करिए, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में अभी पिटाई होगी फ्रेंड्स, और ये शेयर्स को अभी सेल साइड में रखा जाएगा। और ये भी मान के चले कि जब तक फाइनेंशियल स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे तब तक निफ्टी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट ये है कि कोई ना कोई सेक्टर सपोर्ट करेगा, जैसे फार्मा के हैं या टेलीकॉम के सेक्टर के हैं या फिर FMCG के हैं, इस तरह के शेयर्स अब निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन अगर 21 डेज़ के बाद खुल जाता है तो एक स्पार्क जो है ऊपर की तरफ दिखना चाहिए निफ्टी में, और अच्छा खासा गेन होने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें से बड़े शेयर्स अगर बढ़ते हैं, क्योंकि 10-10-15-15% आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, 20% बढ़ते हुए दिखेंगे, तो वही चीज़ एक चीज़ बताने की कोशिश है कि अगर HDFC ऊपर की तरफ जाता है तो 1900 तक जाने की कोशिश, उस पर सबसे पहले तो ये 1700 या 1800, उसके बाद 1900, और ये मंथली चार्ट है फ्रेंड्स उसके हिसाब से बताने की कोशिश करें, ये नहीं कि आप कल ही ये 1700 या 1900 चला जाएगा। और अगर डेली वाइज देखेंगे तो कुछ डिफरेंस आपको देख सकता है उसमें। देखिए काफ़ी हॉच पॉच टाइप का कैंडल बने, एक बार ऊपर की तरफ फिर गिरावट आ गई, अब नीचे की तरफ आ रहा है, और भी गिरावट होती है तब आपको ये और नीचे की तरफ दिखता, और अगर गिरावट होती तो 1300 और 1200 तक आने की कोशिश कर सकता है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और इस ग्रुप के जितने भी शेयर है काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया फ्रेंड। बट ये कि जो गिरावट हुई है आज, तो इसमें बेयरिश मूड अभी बना रहेगा ऐसा लग रहा है, और ऊपर की तरफ जाता है तो जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जो अभी खरीदना चाहते हैं तो इसमें इंतज़ार करने की कोशिश करनी चाहिए, इस शेयर में अभी कोशिश करनी चाहिए, इंतज़ार करिए और उसके बाद खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि ये देखिए जो लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी लोअर लेवल पे खरीदने की कोशिश करते हैं ऐसे एक तरह से जो HDFC ग्रुप के जो शेयर्स हैं, तो जितना लोअर लेवल पे आपको मिले तो उसके हिसाब से आप इसमें नज़र रखिए। और में अगर 8000 ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये फिर अपना भी जो लो बनाया है वो भी ब्रेक कर सकता है, और भी नीचे की तरफ आ सकता है, इसमें वॉलेटाइल रहेगा फ्रेंड्स, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो निकलने भी कोशिश करिए। जो इसमें ट्रेड करते हैं तो 2-3% का अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये पिवट लेवल से और 5 डेज से 50 डे का जो इसका मूविंग एवरेज था 1600 से लगभग 2168, यानी मीन्स ऊपर की तरफ ही ये कारोबार कर रहा था। बट जिस तरह से अभी ये फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयरों में पिटाई हो रही है, बड़े शेयर नीचे की तरफ हैं, तो इसमें भी गिरावट है। अब देखिए 1553 के आसपास आ गया है, तो अगर
52 वीक लो 1450 के आसपास जो है, तभी आप इस शेयर को नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। और ये ऊपर के लेवल के, जैसे कि अब ऊपर अगर जाएगा तो ये सारे रेजिस्टेंस होंगे 1640 के आसपास, और फिर 1859 के आसपास का, और उसके बाद लगभग 1900 के आसपास। फिलहाल ये अभी 1900 से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट फिलहाल ये ग्लोबली जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसमें सुधार आता है तब, अगर फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली अच्छे हो जाते हैं तब फिर ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। इसमें ये है कि जो इनमें प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कि EMI की प्रॉब्लम है, 3 महीने तक के लिए मना कर दिया गया है कि अगर कोई जमा नहीं कर पाता है तो उसके वजह से भी दिक्कत होगी। दूसरी बात ये है कि अभी कितना इनका सेल होगा, जो डिमांड है वो आने में समय लग सकता है, तो इन कंपनियों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है फ्रेंड्स। ये समझने वाली बात है कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी शेयर ले रहे हैं आप, इनका बिजनेस जो है अभी इफ़ेक्टेड रहेगा लगभग 1 से 2 क्वार्टर तक, मतलब 3 4 5 महीना मान के चलिए। अगर कोई आप घर ले रहे थे तो आप पोस्टपोन करेंगे उसको, और इन शेयरों में अभी दिक्कत रहेगी फ्रेंड्स। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये कुछ पिवट लेवल्स हैं, इसको देखने की कोशिश करिए और इसके अनुसार भी देख सकते हैं।